ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं सिनेमा समाज और संस्कृति का आईना होता है। कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रहार करने में सिनेमा बहुत ही सार्थक रहा है। शिक्षा और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करती एक हिंदी फिल्म कहानी एक संघर्ष की शूटिंग इन दिनों गुलाबी नगरी में की जा रही है। मुख्य किरदार निभा रहे हैं प्रदेश के एक उभरते हुए अभिनेता अनमोल ने। विजन इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस की यह फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। किसी राजस्थानी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली हिंदी फिल्म कहानी एक संघर्ष की में सभी कलाकार राजस्थान के हैं। छात्र जीवन में संघर्ष की कहानी पर आधारित इस फिल्म के मुख्य किरदार अनमोल फिल्म की कहानी में अपने जीवन का अक्स देखते हैं। अनमोल का मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही देश बदला जा सकता है, लेकिन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार समाज की जड़ में शिक्षा जगत की समाया हुआ है। शिक्षा के जरिए देश का विकास करने की चाह रखने वाले एक छात्र को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वे बस इसी को पर्दे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जब नितिन जी माथुर ने इसकी स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का किरदार मुझे निभाने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं मेरी अपनी ज़िंदगी से ताल्लुकात रखता था। इसमें मेरा किरदार एक आर्यन नाम के लड़के का है जो इस फिल्म में पूरी फिल्म में संघर्ष करता है। जो जनरली हम देखते हैं हर व्यक्ति अपनी लाइफ में संघर्ष करता है, बट ये आज ये देखिए कि बॉलीवुड में जितनी फिल्म्स बन रही हैं उनसे लीच से हटकर ये फिल्म है, क्योंकि इसमें जो संघर्ष दिखाया है वो एक ऐसे लड़के का दिखाया है जो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि एजुकेशन से ही हम लोग अपने देश को सही कर सकते हैं, समाज को सही कर सकते हैं। विजन इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही फिल्म कहानी एक संघर्ष की को निर्देशित कर रहे हैं नितिन माथुर। अपनी पहली फिल्म के साथ ही फिल्म जगत में उतरने वाले माथुर राजस्थानी युवाओं को अधिक से अधिक मौके देने चाहते हैं। साथ ही संजीदा विषयों पर तीखा प्रहार करने की इच्छा भी वे निर्देशन के जरिए पूरी कर रहे हैं। ये फिल्म किसी भी राजस्थानी द्वारा हिंदी में पहली बार एक प्रयास किया गया है कि हिंदी में फिल्म बनाए। इस फिल्म की पूरी शूटिंग जयपुर में की गई है। ये शिक्षा के में जो भ्रष्टाचार चारों तरफ जो फैला हुआ है, शिक्षा और सरकारी तंत्र जो है इसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको दिखाने का एक हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज दे सकें कि आज एजुकेशन में जो करप्शन आया है वो किस हद तक हमारे देश की नींव को खोखला कर रहा है। किसी राजस्थानी नागरिक द्वारा अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले पहली हिंदी फिल्म बनाना राजस्थानी कलाकारों के लिए अच्छा संकेत है। बॉलीवुड की फसाती कहानियों से इतर एक संजीदा विषय पर विजन इंटरनेशनल की ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HPTV न्यूज, जयपुर।